पेश है न्यूज अपडेट्स। मुंबई एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2014 में बीजेपी को बाहर से टाउन देने की उनकी पेशकश एक सियासी चाल थी, जिसका मकसद शिवसेना को बीजेपी से दूर रखना था। पवार ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया था। लंबे वक्त से एक दूसरे की साथी रहीं बीजेपी और शिवसेना ने वजीर आला के ओहदे को साझा करने के मुद्दे पर पिछले साल के रियासती विधानसभा चुनाव के बाद अपनी अपनी राहें जुदा कर ली थीं। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के एक दिन में 1,088 नए मरीज सामने आने के साथ ही इस महामारी के कुल मामले 38,502 हो गए। एक सैत्यामा के अहलकार ने ये जानकारी दी। उस अहलकार के मुताबिक इस बीमारी से मरने वालों में 39 लोग मजीद शामिल हो गए। इस तरह ये तादाद 1,075 हो गई। मुंबई के बाद पुणे ही महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर जिला है। 14 और 15 जुलाई को हो सकती है भारी बारिश, महकमा मौसमियात ने जारी की चेतावनी। मुंबई, कोकण और मगरबी महाराष्ट्र में हो सकती है भारी बारिश। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या चौकसी की हुई मौत, 1.5 साल से कैंसर से लड़ रही थी जंग। मुंबई, हिफाजत और एहतियात के साथ सिनेमा घर तैयार, बस सरकारी हरी झंडी मिलने का है इंतजार। कदम कदम पर कोविड के फैलाव से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने का दावा किया गया है। शुरुआत पेपरलेस टिकट से है, सिर्फ मोबाइल पर मिलेगी टिकट। सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है कि एक ग्रुप के दोनों तरफ की सीटें बुक ही ना हो पाए। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत में सुधार, इलाज में सख्ती की जरूरत नहीं। सभी फैंस अमिताभ बच्चन के जल्द सेहतियाब होने की दुआ मांग रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने अपने घरों में अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए पूजा भी करनी शुरू कर दी है। दो नई ट्रेन सर्विसेज ट्रांस हार्बर लाइन पर हुई शुरू। ये ट्रेन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ये ट्रेन थाने और वाशी रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। पहली ट्रेन थाने से सुबह 7:30 बजे निकलेगी और वाशी स्टेशन 8 बजे सुबह पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन वाशी से शाम 4:30 बजे निकलेगी और थाने शाम 5 बजे पहुंचेगी। राबाले, कोपरखेरना, तुर्भे और सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हॉल्ट करेगी। ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टाइम फॉर न्यूज़।